दूध पावन लावा। महापर्व छठ के दूसरे दिन खरना मनाया जाता है। खरना कार्तिक शुक्ल की पंचमी को मनाया जाता है। खरना का मतलब होता है शुद्धिकरण, इसे लोहंडा भी कहते हैं। खरना के दिन छठ पूजा का विशेष प्रसाद बनाने की परंपरा है। खरना के दिन व्रती दिन भर व्रत रखती हैं और शाम के समय मिट्टी के चूल्हे पर खीर बनाती हैं। आम की लकड़ी जलाकर साठी के चावल और गुड़ की खीर बनाई जाती है, जिसका सूर्य देव और छठ माँ को भोग लगाते हैं। खरना का प्रसाद काफी शुद्ध तरीके से बनाया जाता है। खरना के दिन जो प्रसाद बनता है उसे नए चूल्हे पर बनाते हैं। व्रती इस खीर का प्रसाद अपने हाथों से ही पकाती हैं। इसके अलावा प्रसाद में मूली केला भी रखा जाता है। फिर सूर्य भगवान की पूजा करने के बाद व्रती महिलाएं इस प्रसाद को ग्रहण करती हैं और इसी के साथ व्रती महिलाओं का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाता है। व्रती के खाने के बाद प्रसाद घर के बाकी सदस्यों में बांटा जाता है। मान्यता है कि खरना पूजा से शरीर से लेकर मन तक शुद्ध हो जाता है और इसी के साथ घर में देवी षष्ठी यानी छठी मैया का आगमन होता है। आपने छठ पूजा के दौरान व्रती महिलाओं को लंबा लंबा संतरी रंग का सिंदूर लगाए देखा होगा। इसके पीछे भी एक खास कारण है। खरना के दिन व्रती सुबह सुबह स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहनती हैं और नाक से मांग तक संतरी रंग का सिंदूर लगाती हैं। मान्यता है कि मांग में सिंदूर जितना लंबा लगाया जाता है पति की उम्र उतनी ही लंबी होती है। मांग में गाढ़ा और लंबा सिंदूर भरकर सूर्यदेव को अर्घ देने से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और व्रती की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। साथ ही घर और परिवार में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है।